सुरेश बाबू नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और क्या हाल चाल? ठीक ठाक। हाँ जी, ठीक ठाक। बाबू जी, आज थोड़ा सा आपका साक्षात करने आया हूँ, वैसे होते ही रहता है। आप रूई मंडी में जगदीप प्रसाद सुरेश कुमार ये भ्रम था ना? जी जी, रूई मंडी से शुरुआत हुई थी भ्रम आपका जी, और तब से मेरा आपका संपर्क है जी, व्यापार से। अब आज समाज से संपर्क हुआ है तो नया बाजार में आ गए आप जी। तो कुछ बातें आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, बाजार में मेरा अभिनंदन भी इस टाइम चल रहा है जी, सभी दुकानों में जाकर के इसी तरह साक्षात कर रहा हूँ। आपसे विशेष साक्षात करने का मतलब इसलिए है कि बाबू जी, मैंने रूई मंडी ने व्यापारी के तौर पर देखा और नया बाजार भी व्यापारी के तौर पर देख रहा हूँ, तो साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि आप किस ऊंचाई में पहुंच रहे हो। सब भाइयों में मेरे ख्याल से आप छोटे हो जी, जी सबसे छोटे आप ही, सबसे छोटे हो, किस ऊंचाई से बढ़ते जा रहे हो। दिल्ली के अध्यक्ष में दिल्ली पद में अध्यक्षता की सुशोभित कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण था? और ऐसे व्यापार में संकट तो तकलीफ मेरा आपका मेरा क्या कह रहा है ये अभी छिपा नहीं है। आपके बाबू जी मेरे देखते देखते किस ऊंचाई में पहुंचे, इसके लिए थोड़ा सा आपसे पूरी तरह से जानना चाहता हूँ, जिसे समाज या व्यापारी भी जान सके आपका क्या रुतबा बढ़ रहा है, कैसे क्या है, पूरी डिटेल आप थोड़ा सा संक्षेप में देने का पाठ। ऐसा जी, इसमें मेरा कुछ अपना योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का योगदान है, मेरे बड़े भाइयों का योगदान है, और जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ मेरे समाज के जो भाई हैं उनके प्रेम का ये परिणाम है, ये तो है ही। हाँ, ताकि वो मुझको एक अग्निशय कार्यकर्ता को भी बहुत बड़ा मान देते हैं, हर टाइम मतलब पूरी इज्जत देते हैं। मैंने सुरेश भाई इतने सारे लोगों में उनने मेरे को इस पद के लायक समझा और इस पद पर मेरे को बिठा दिया उनने। ये क्या खास बात रही है? वही देख सकते हैं जी, उनमें क्या खास बात, मेरे को ऐसी खास बात नहीं है। भाव इतनी जल्दी दिल्ली का अध्यक्ष पद को करना विदाउट निर्विरोध निर्विरोध हुआ आपका, और कोई महावीर कौन सा, मिशन कौन सा, मानव मिशन, मानव मिलन जी, मानव मिलन, उसमें भी अध्यक्ष अध्यक्ष है ना जी जी, तो उसमें भी अध्यक्ष है, यहाँ भी अध्यक्ष है, जहाँ भी जाते हैं सुरेश बाबू की फोटो लगती है। तो जी संतों का आशीर्वाद, समाज का प्यार, मेरे अपने प्रसन्न जी समाज का प्यार, और मेरे भाइयों की मेरे पीछे मजबूत से खड़ा होना, वे किसी भी काम में पूछते हैं। मैं भी मेरे प्रधान पद के लिए भी पूछा था, भाई मैं खुद उम्मीदवार नहीं बन सकता, मेरे बड़े भाई साहब को पूछो। उन्होंने जगदीश प्रसाद जी के पास फोन किया, बड़े भाई साहब, उन्होंने भाई आप ऐसा चाहते हो तो हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं, साथ में हम तो परिवार आप चाह रहे हो तो हमने कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैंने उनके आशीर्वाद से भी खड़े हुआ था, विशेषकर मेरे बड़े भाई जगदीश जी और सतपाल जी, उन्होंने हमारे को अच्छी में स्टैंड किया है, उन्हीं कृपा से मैं आज तक है, उनके ऐसे अंक हम कभी भूल नहीं सकते। रोमंडी से पीछे से भी इकट्ठे आए, पीछे भी इकट्ठे, समालखंड में इकट्ठे रहते थे, हाँ रोई मंडी भी फिर इकट्ठे बैठे हैं, जब से हम समझो 85-86 से इकट्ठे बैठते हैं, 86 इकट्ठे। शुरू से जो चल रहा है समाज का, तो ये जैसे मानव अभी लोकप्रका जी आया था, उसमें फोटो भी लगी हुई है कि वहां आप जा रहे हो महाराज जी का आशीर्वाद लेने, मणिबंदर का हॉस्पिटल के मुनि जी वहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अस्पताल में लगातार 3-4 दिन हो जी गए। अच्छा जी, हाँ सुबह सुबह ऑपरेशन हो गए 6 बजे गए, हमारा साहब की तबियत ठीक हो गई थी, अब दोबारा से कुछ खान पान से गड़बड़ हो गई, दोबारा अस्पताल में। इस टाइम आपको पूरी कृपा बुला कर पूरा आशीर्वाद, हम प्रशांत जी चतुर्मास करके थे, जब हमारे को जब 2013 का चतुर्मास शायद उनका प्रशांत विहार था, तो मानव मिल का अध्यक्ष मेरे को जितेंद्र भाई को महामंत्री, सुशील भाई को कोषाध्यक्ष बना गए थे वो है, तो जब से हम उनकी को संभाल रहे हैं पूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, और मार साहब का पूरा आशीर्वाद रूटीन रहता है, कल भी मैं प्रसंग को लेकर 10-15 आदमियों को वहाँ गया था करोलबाग में। हाँ, अभी मार साहब प्रशांत विहार पद आ रहे हैं, वहाँ हमारे को स्वास्थ्य लाभ दें, वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ आप लें और हमारे को सेवा का मौका दें। अब स्वास्थ्य ठीक है? नहीं, अब स्वास्थ्य है कुछ, दोबारा से उनका गड़बड़ हो गया और दोबारा गंगाराम में भी दाखिल आज दोबारा से। मेरे भी बड़ा आपके सामने बड़ा कष्ट उठा है, बड़ा आपका साथ रहा है, आपका मेरे प्रति बड़ी विशेष योगदान कृपा रही है, आज भी है, रूई मंडी से देते आ रहे, रूई मंडी से करते आए हो, मैं किसी रूप में आपका धन्यवाद प्रकट करूं, बाकी समाज में देखते ऊपर चढ़ते हुए मुझे उतनी खुशी होती है कि मेरे सुरेश बाबू जी आज कहां रूई मंडी से कहां से कहां ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं, और समाज से भी कहना चाहता हूं कि आप सुरेश भाई की तरह आप लोग बिहारी में बने, जिनकी
कितनी सोच है, इस सोच के ऊपर ऊंचे उठे, यही बात है। सब भाइयों का प्यार है जी, है सारा समाज इज्जत की नजर से देखता है, मेरे को शान विहार कर देखता है। मैं किसी पद पर प्रशांत विहार ना हो तब भी मेरे को पूरा मान सम्मान ठीक 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 है ना, जब चाहते हम जो कमेटी अपने हिसाब से बना देते हैं। ये डायरेक्टरी जो शुरू करी है व्यापार की असुराय के साथ, ये इसके बारे में थोड़ा सा कैसा रहेगा? मैंने मुंह दिखाई है इसके बारे में थोड़ा सा। आपको तो पुराना तजुर्बा है, रूटीन में बनाते हो, ये भी अच्छा रहेगा जैसा कर रहे हो आप उसमें। असुराय का बराबर में आपने दुकान इसकी अतुराय की, अच्छा जी इसे इसमें जुड़ा है। अच्छा ये इंडस्ट्री का सारा काम यही देखेगा, ठीक है। आज का युग जो है इंडस्ट्री का नहीं रहकर के इंडस्ट्री आ गया, डिजिटल युग आ गया। जी जी ये भी समय के अनुसार मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा, इसमें अभी आपका आशीर्वाद बनेगा। तो इसमें कैसे क्या कर रहे हो आप, इसमें बगैर इसमें क्या कर रहे हो बगैर डायरेक्टरी के? नहीं इसमें डायरेक्टरी सारा डाटा इसी में होगा सारा। अच्छा इसे वेबसाइट में देख सकेंगे आप? अच्छा ये वेबसाइट तैयार करिए पूरी। अच्छा अच्छा कहीं भी देखा तो हिंदुस्तान का वर्ड भी इसमें देख सकता है, ठीक है, इसे उपयोग कर सकता है, ठीक है। इसे dillygrahmerchant.com नाम ऐसा रखा है, dillygrahmerchant.com या सुना देखेगा, उसमें सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है। वो डायरेक्टरी उठा के देखने की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग सिस्टम बना रखा है, ये डिजिटल युग के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। आपका इन पारसीवाद रहेगा 1122 में सफल हो, हमारे लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।